कक्षा छः से बीएससी तक की भौतिक विज्ञान, गणित और विविध प्रतियोगी परीक्षाओं हेतु रीजनिंग एवं गणित की कक्षाएं निःशुल्क प्राप्त करें। इन कक्षाएं निःशुल्क वीडियो देखें और पढ़ें अर्जुन स्टडी चैनल के द्वारा। कर्म करे किस्मत बने, जीवन का यह मर्म प्राणी तेरे हाथ में, तेरा अपना कर्म, तेरा अपना कर्म। प्यारे बच्चों, कल की क्लास में हमने सीखा मुक्त इलेक्ट्रॉन मॉडल के आधार पर आवेश की व्याख्या कैसे हो सकती है। आप सभी को हमने एक्सप्लेन किया सुहाना बेटा कि किसी भी परमाणु का आकार गोलाकार होता है और परमाणु का ज्यादातर पोर्शन खोखला होता है, मध्य का भाग ठोस और धनावेशित रहता है जिसे हम नाभिक के नाम से जानते हैं, और जिसके बाहर इलेक्ट्रॉन अलग अलग कक्षाओं में चक्कर करते रहते हैं। यह भी हम जानते हैं कि नाभिक का प्रबल धनात्मक बल नियंत्रक बल के रूप में हर कक्षा के इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींचे रहता है, लेकिन जो जो कक्षाएं नाभिक से दूर होती जाती हैं, आगे होती जाती हैं, नाभिक का नियंत्रक बल हर इलेक्ट्रॉन पर कम होता जाता है, घटता जाता है, और परमाणु के बाह्यतम वाली कक्षा के वे इलेक्ट्रॉन जिन पर नाभिक का नियंत्रक बल बिल्कुल नगण्य हो, जिन्हें थोड़ी बहुत ऊर्जा दे करके कक्षा से पलायित कराया जा सके, उन्हें जो है मुक्त इलेक्ट्रॉन कहा जाता है, और मुक्त इलेक्ट्रॉन ही आवेश वाहक का कार्य करते हैं। इन्हीं के पदों में आवेश डिफाइन होता है। जब दो वस्तुओं को आपस में घर्षण कराया जाता है तो एक वस्तु से मुक्त इलेक्ट्रॉन निकलकर दूसरे वस्तु पर आ जाते हैं, परिणाम स्वरूप एक वस्तु पर सामान्य अवस्था से मुक्त इलेक्ट्रॉन कम बन जाते हैं और दूसरे वस्तु पर सामान्य अवस्था से मुक्त इलेक्ट्रॉन बढ़ जाते हैं, और मुक्त इलेक्ट्रॉनों के बढ़ जाने को ही हम लोग ऋण आवेश समझते हैं और मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कम हो जाने को ही हम लोग धन आवेश समझते हैं, और इस तरह से धन आवेश और ऋण आवेश की व्याख्या हुई। और जैसा कि हमने जो है कल तक की क्लास में समझाया था कि अगर ग्लास या कांच की छड़ को रेशम पर रगड़ा गया होगा तो संभावना हुई कि कांच की छड़ के कुछ इलेक्ट्रॉन निकल कर रेशम पर पहुंच गए, और बदले में कांच की छड़ पर के मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या सामान्य अवस्था से घट गई, और मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या जब घट गई तो कांच की छड़ कैसे हो गई, धनावेश। और ऐसे ही जब एबोनाइट की छड़ को रगड़ा गया बिल्ली की खाल पर तो बिल्ली की खाल पर से कुछ मुक्त इलेक्ट्रॉन एबोनाइट की छड़ पर आ गए, और इस कारण एबोनाइट की छड़ पर मुक्त इलेक्ट्रॉनों की अधिकता या भरमार हो गई, और मुक्त इलेक्ट्रॉन की अधिकता होने से ये छड़ ऋण आवेशित हो गई। तो कांच की छड़ या एबोनाइट की छड़ पर के आवेश की व्याख्या इसी प्रकार हम लोगों ने की थी। और बच्चों, उसके बाद छोटे छोटे शब्दावली एक्सप्लेन किया था हमने, जैसे फंडामेंटल चार्ज, मूल आवेश या इलेक्ट्रॉनिक आवेश। कल की क्लास में बहुत मस्त समझाए थे, अब आज हल्का सा बस केवल बता रहे हैं। इलेक्ट्रॉन पर का आवेश दुनिया का सबसे सूक्ष्मतम मान वाला आवेश होता है, इसलिए अन्य सभी आवेश इसी पर के आवेश के पदों में बतलाए जाते हैं। माने इलेक्ट्रॉन पर जो भी आवेश होता है वो दुनिया का न्यूनतम आवेश है, और इसी के पदों में अन्य सभी वस्तुओं पर के आवेश की संभावना या गणना हो जाती है, इसलिए इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है उसे फंडामेंटल चार्ज या मूल आवेश या प्रारंभिक आवेश कहते हैं। इलेक्ट्रॉनिक आवेश भी इसे कहा जाता है, किस अक्षर से डिनोट करते हैं, स्मॉल ई से।
और इसका जो आवेश इस पर होता है उसका मान मिलिकन चाचा ने 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलाम पता लगाया था, कल हमने बताया था। आवेश की माप या आवेश की मात्रा क्वांटिटी या चार्ज क्यों से प्रदर्शित की जाती है, और आपको कल की क्लास में समझाए थे बच्चों वस्तुओं पर उत्पन्न आवेश मुक्त इलेक्ट्रॉन के पदों में बताया जाता है। किसी वस्तु पर जितने इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं उतना माइनस ई उस पर आवेश बनता है, और किसी वस्तु से जितने मुक्त इलेक्ट्रॉन चले जाते हैं उतना प्लस ई उस पर जो है आवेश बनता है। तो रियली फार्मूला होता है क्यू बराबर प्लस माइनस एन इंटू ई, और इस तरह से हम लोगों ने आवेश का सूत्र महवेशी पढ़ा था, जहाँ क्यू का मतलब क्वांटिटी ऑफ चार्ज आवेश की मात्रा, और प्लस का मतलब इलेक्ट्रॉन की कमी, माइनस का मतलब इलेक्ट्रॉन की बढ़ोतरी, और एन का मतलब स्थानांतरित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, और ई का मतलब मूल आवेश। फिर उसके बाद बेटा आवेशी संरक्षण बताए थे कि आवेश संरक्षण के नियम का पालन करता है, न नष्ट होता है न उत्पन्न, वस्तुओं पर उपस्थित आवेश हमेशा निश्चित रहता है, निर्धारित रहता है। जब दो वस्तुओं को घर्षण कराया जाता है तो एक पर जितना प्लस आवेश चलता है उतना ही दूसरे पर माइनस, इसलिए सामिलात आवेश फिर से शून्य हो जाता है। अब इस प्रकार से जो है आवेशी संरक्षण था। एक और शब्द कल पढ़ाए थे आवेशी परमाणुता, याद है आपको आवेशी परमाणुता के संदर्भ में समझाए थे बेटा कि वस्तुओं पर उत्पन्न आवेश सदैव जो है पूर्ण संख्या में होता है, या तो किसी वस्तु पर प्लस वन ई का आवेश बनता है, या तो माइनस वन ई का, या प्लस टू ई का, या माइनस टू ई का, हमेशा आवेश जो है पूर्ण संख्या में ही बनता है, इसे आवेशी परमाणुता या क्वांटिफिकेशन ऑफ चार्ज कहते हैं। फिर उसके बाद एक शब्द बताए थे आवेश का एसआई मात्रक, आपको यह भी समझाए थे अनिरुद्ध मौर्य कि आवेश का इंटरनेशनल सिस्टम वाला मात्रक या एसआई मात्रक कूलाम होता है। चाचा कूलाम मर गए हैं, आवेश या विद्युत के बारे में खोजबीन करते हुए बहुत सारी, इसलिए उनके नाम की स्मृति में यादगार में हम लोग आवेश के एसआई मात्रक को कूलाम बोलते हैं। कूलाम मगर आवेश का एक बहुत बड़ा मात्रक है, कल ये भी समझाए थे, और इसलिए माइक्रो कूलाम, पीको कूलाम, एंग्रो कूलाम, मिली कूलाम, नैनो कूलाम, इस तरह के मात्रकों का प्रयोग करते हैं। एक फार्मूला समझाए थे कि एक इलेक्ट्रॉन पर 1.6 × 10⁻¹ कूलाम का आवेश होता है, तो इसका मतलब इसे उल्टा पढ़ा जाए चित्र, तो 1.6 × 10⁻¹ कूलाम आवेश होता है एक इलेक्ट्रॉन पर, तो इसलिए एक कूलाम आवेश हो गया, ये नीचे आ गया, हल करने पर 6.25 × 10⁻¹⁸ हो गया, तो इसका मतलब एक कूलाम आवेश आवेश का बहुत बड़ा मान होता है 6.25 × 10⁻¹⁸ इलेक्ट्रॉनों पर का सामिलात आवेश इकट्ठा आवेश एक कूलाम होता है। अब प्यारे बच्चों एक छोटी सी हेडिंग और समझा दें तो फिर कूलाम का नियम बढ़िया सा टॉपिक है, और बहुत मजेदार टॉपिक बताने जा रहे हैं। जो ये टॉपिक बताने जा रहे हैं सुषमा जी, जो तुम प्राउड में रहती हम रोज नहीं आएंगे क्लास में, तो जान लो कि ये जो टॉपिक बताने जा रहे हैं बच्चों, ये टॉपिक जो है बुक में भी नहीं पाओगे, थोड़ा कंपटीशन लेवल का है, तो जानिए रोज आया करिए, ठीक है। यहाँ ध्यान दीजिए जरा, आवेशन की विधियां आवेशन के प्रकार, ठीक है, मतलब प्रोसेस ऑफ चार्जिंग, क्या ऐसे बोले हम, हाँ प्रोसेस ऑफ चार्जिंग, प्रोनाउंसिएशन तुम लोग अच्छा नहीं करते हो अंग्रेजी में, प्रोसेस ऑफ चार्जिंग,
तो प्यारे बच्चों, जैसा कि आप जान रहे हो, प्रोसेस ऑफ चार्जिंग, आवेशन की कुल कितनी विधियां हैं, मतलब इसका शॉर्टकट ये हुआ कि हम वस्तुओं को कितने प्रकार से आवेशित कर सकते हैं, आवेशित करने की विधियां। तो अब आपको समझाने जा रहे हैं, समझते जाइएगा, वस्तुओं को आवेशित करने की विधियां या आवेशन की विधियां, हम कितने प्रकार से वस्तुओं को आवेशित कर सकते हैं। गौर से देखिएगा जरा, सुंदरम आवेशन के कुल देयर आर थ्री टाइप की विधियां। आवेशन कितने प्रकार से किया जा सकता है, मतलब हम किसी भी वस्तु को तीन तरह से आवेशित कर सकते हैं, माने आवेशित करने की कुल तीन विधियां हैं, तीन प्रकार से वस्तुओं पर आवेश बना सकते हैं। तो कैसे समझो, पहला तरीका जो कल से, जो शुरू से लेके आज तक आप पढ़ते आ रहे हो, वही है पहला तरीका। मतलब दो अनावेशित वस्तुएं हैं, माने इन पर आवेश नहीं है, अनावेशित, और जब इनको आपस में रगड़ा जाता है या घर्षण कराया जाता है तो दो की दोनों आवेशित हो जाती हैं, एक धन आवेशित हो जाती है। तो पहला तरीका ये है जो आपने अभी तक सुना है, जाना है, सीखा है। तो पहला तरीका है दो अनावेशित वस्तुओं को, ध्यान समझिए बेटा, दो अनावेशित वस्तुओं को परस्पर रगड़कर। इधर क्लियर? तो जब दो अनावेशित वस्तुएं एक दूसरे पर रगड़ी जावे हैं, जब दो अनावेशित वस्तुएं एक दूसरे पर रगड़ी जावे हैं तो एक वस्तु से मुक्त इलेक्ट्रॉन निकलेंगे और दूसरे वस्तु पर मुक्त इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं, और इसलिए एक वस्तु क्या हो जाती है, बनके, हाँ, अब दूसरे के। तो आवेशन की पहली प्रोसेस से पहली विधि यह है कि वस्तुओं को आपस में घर्षण करा करके उन्हें हम आवेशित कर सकते हैं, एक पर धन आवेश और एक पर ऋण आवेश बना सकते हैं। इज दैट ओके? कोई प्रॉब्लम? समझ में आए? अब दूसरी विधि, ध्यान से सुनिएगा, दूसरी विधि क्या है, किसी अनावेशित वस्तु को लो आप, कैसी वस्तु, और उसे आवेशित वस्तु के संपर्क में रख दो, माने एक वस्तु हमारा चार्ज यहाँ है, चार्ज के लिए, अब दूसरा की वस्तु जो ना चार्ज रहा है, एक पर हम चार्ज बनवा चाहिए तो करे कंटेक्ट में रख दी, इस जोड़ के तुरंत दूसर की जो अनावेशित वह का हो जाए चार्ज। ध्यान से देखो, अनावेशित वस्तु को, इसको ध्यान से सुनना, अनावेशित वस्तु को आवेशित वस्तु के संपर्क में रखकर, अनावेशित वस्तु को हम वस्तुओं को आवेशित कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ एक विशेष बात है, ठीक है, जब किसी अनावेशित वस्तु को आवेशित वस्तु के संपर्क में रखा जाता है तो प्यारे बच्चों, अनावेशित वस्तु जो है आवेशित हो जाती है, लेकिन यह उसी आवेश से आवेशित होती है जिस आवेश से आवेशित वाली आवेशित रहती है। मतलब कि अगर हम कोई एक धन आवेशित वस्तु लिए हैं और इसके संपर्क में अनावेशित वस्तु रखेंगे तो अनावेशित वस्तु भी धन आवेशित हो जाएगी, ठीक है, और अगर हम ऋण आवेशित वस्तु के संपर्क में कोई वस्तु रखेंगे तो अनावेशित वाली क्या हो जाएगी, ऋण आवेशित, माने अनावेशित वस्तुएं समान स्वभाव वाले आवेश से ही आवेशित हो जाती हैं। ऐसा क्यों बताता, देखो, अगर ये कोई एक वस्तु है और अगर ये धन आवेशित है, कैसे है, अब इसके संपर्क में हमने दूसरी वस्तु रखा जो कि अनावेशित है, अनावेशित का मतलब होता है कि जिस पर जो है धन और ऋण दोनों आवेश बराबर संख्या में है, सामिलात आवेश जीरो है, धन आवेश का मतलब, अनावेश का मतलब ये होता है, ये नहीं उस पर जो है कि को आवेशन है, क्योंकि मुक्त इलेक्ट्रॉन और नाभिक तो सम्य होंगे ना, तो जितना इस पे धन है उतने ऋण है, क्या है बेटा,
जितना धन है उतना है, तो ये अनावेशित वस्तु है और ये किसके संपर्क में आ गई? धनावेशित वस्तुओं के संपर्क में अनावेशित वस्तुएं आती हैं तो वे भी धनावेशित हो जाती हैं, और ऋण आवेशित वस्तुओं के संपर्क में अगर कोई अनावेशित वस्तु आती है तो ऋण आवेशित हो जाती है। ऐसा क्यों? अब अगर ये हमारी वस्तु है और ये हमारी धनावेशित वस्तु है, दोनों कंटेक्ट में आ गई। इस वस्तु में अगर धन आवेशित है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन की क्या है? कमी। इस पर इलेक्ट्रॉन कम है कि नहीं? और ये संपर्क में आ गई अनावेशित में, तो इस पर इलेक्ट्रॉन कम है, यहां से इलेक्ट्रॉन निकल कर इस पे आने लगेंगे कि नहीं? इससे इलेक्ट्रॉन निकलेंगे और इस पर जाने लगेंगे, इससे निकलेंगे इस पर जाने लगेंगे, इससे निकलेंगे इस पर जाने लगेंगे, इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह स्टार्ट हो जाएगा इस वस्तु से इस वस्तु की ओर। तो अब इस वस्तु पर इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे? कम हो जाएंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन इसके निकल रहे हैं कि नहीं? और जब इलेक्ट्रॉन कम हो जाएंगे तो ये भी कौन से आवेशित हो जाएंगे। तो इसीलिए जब कोई अनावेशित वस्तु धनावेशित वस्तु के संपर्क में रखी जाती है तो अनावेशित वस्तु से इलेक्ट्रॉन धनावेशित की ओर जाने लगते हैं, माने अनावेशित पर इलेक्ट्रॉन की कमी बनने लगती है और वो जो है धनावेशित हो जाती है। समझ में आया? आवेशित भी हुई और उसी आवेश से आवेशित हुई जिस आवेश के संपर्क में आई। इधर क्लियर? अब ऐसे दूसरा भी जान लो कि अगर कोई ऋण आवेशित वस्तु है, कैसी वस्तु है बच्चों? अगर कोई ऋण आवेशित वस्तु है प्यारे साथियों, ये इस तरह से इतिज कोई ऋण आवेशित वस्तु है, कोई ऋण आवेशित वस्तु है कह दो है, कोई ये ऋण आवेशित वस्तु है और अब हम इसके संपर्क में कोई अनावेशित वस्तु रखें और देखें कि क्या हो जावे है। तो जब जो है ऋण आवेशित वस्तु को हम किसी आवेशित वस्तु के अनावेशित वस्तु के संपर्क में रखते हैं, देखो इस पर इलेक्ट्रॉन की अधिकता है कि नहीं, इस पर इलेक्ट्रॉन ज्यादा है कि नहीं, तो तुरंत इससे इलेक्ट्रॉन इस पर आने लगेंगे। और जब इस पर इलेक्ट्रॉन आने लगेंगे तो इस पर इलेक्ट्रॉन पहले से क्या हो जाएंगे? और इसलिए क्या हो जाएगी? तो समझ में आया कि वस्तुओं को आवेशित करने के ये कुल दो तरीके तो आपने सीख लिया कि अगर दो अनावेशित वस्तुओं को एक दूसरे पर रगड़ा जावे है तो एक वस्तु जो है धनावेशित और दूसरी ऋणावेशित बन जावे है। और दूसर का तरीका है कि अगर किसी अनावेशित वस्तु को आवेशित वस्तु के संपर्क में रखें तो आवेशित वस्तु के स्वभाव में अनावेशित वाली भी आवेशित हो जाती है। अगर अनावेशित धनावेश के संपर्क में है तो अनावेशित वाली भी धनावेशित हो जाती है, और अगर ऋणावेश के संपर्क में आए तो वह भी ऋणावेशित हो जाती है। समझ में आ रहा है? तीसरा तरीका क्या है? अगर हम किसी अनावेशित वस्तु को आवेशित वस्तु के नजदीक रखें तब भी अनावेशित वाली आवेशित हो जाती है। इसमें और तीसरे वाले तरीके में फर्क क्या है सुनो। अनावेशित वस्तु को अनावेशित वस्तु को आवेशित वस्तु के आवेशित वस्तु के निकट रखने पर दोनों फर्क है कि नहीं? इसमें जो है जो अनावेशित वस्तु है उसको आवेशित वस्तु के कंटेक्ट में जोड़ के चपका के रख दिए थे संपर्क में, और इसमें अनावेशित वस्तु को आवेशित वस्तु के निकट जोड़ नहीं रहे, थोड़ा दूर नजदीक रख रहे हैं और देखते हैं क्या होता है, देखते हैं क्या होता है। तो देखो देखो बच्चों, ये कक्षा 8 का टॉपिक है ये जो बता रहे हैं। जैसे मान लो ये कोई जो है याद है, कक्षा 8 का टॉपिक है उस पर नहीं आता इसलिए नहीं याद आ रहा है। जैसे ये कोई कोई आवेशित वस्तु है, मान लो धनावेशित वस्तु है, पूछो कैसी है? अब हम एक अनावेशित वस्तु ला रहे हैं, इसके निकट रख दे रहे हैं। कहाँ रख दे रहे हैं? संपर्क में नहीं रख रहे हैं। संपर्क रखने से ये वाला तरीका हो जाएगा और हमारी अनावेशित अनावेशित हो जाएगी, लेकिन हम निकट रख रहे हैं। एक समन्वय से रख दे जा। अब देखो इसमें कौन आवेश है? अनावेशित है माने बराबर धन बराबर ऋण परिणामी जीरो है। अब धनावेश वाली वस्तु के सामने आए, आप लोग पढ़े हो और जान रहे हो कि
कि हमेशा विपरीत आवेशों में या करता होता है। धन जो है हमेशा ऋण को खींचता है और ऋण हमेशा, तो अब इसमें धन और ऋण दोनों है कि नहीं, लेकिन विचारों के करीब सामने आ गया धन के साथ, तो ये धन वाला एक सारा ऋण का करेगा आकर्षित करने लगा होगा, तो माने इसके सामने वाले सिरे पर कौन वाले आवेश इकट्ठा होने लगे, तो जब इस वाले सामने पर ऋण आवेश इकट्ठा होने लगे तो ये वाला सिरा कौन सा आवेशित हो गया, इधर क्लियर, तो आवेशित हो गया, आवेशित हो गया कि नहीं। तो अब आप बता सकते हो कि जब अनावेशित वस्तु को आवेशित वस्तु के निकट रखते हैं तो अनावेशित वस्तु विपरीत आवेश से आवेशित हो जाती है, और इस घटना को स्थिर विद्युत प्रेरण कहते हैं। क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक इंडक्शन, स्थिर विद्युत प्रेरण। और बच्चों दीज आर थ्री तरीका फॉर चार्जिंग एनीबडी, तो किसी भी वस्तु को चार्ज या आवेशित करने के ये कुल तीन तरीके हैं। तो एक बार हम फिर से बता दे रहे हैं, रोलिजर सुन लें, दो अनावेशित वस्तु को आपस में रगड़ कर हम अनावेशित वस्तुओं को आवेशित कर सकते हैं, पहला तरीका। किसी अनावेशित वस्तु को आवेशित वस्तु के संपर्क में रख करके अनावेशित वाली को आवेशित कर सकते हैं, दूसरा तरीका। और अनावेशित वस्तु को आवेशित वस्तु के निगल रख कर भी उसे आवेशित कर सकते हैं, तीसरा तरीका। एंड दीज आर थ्री तरीका फॉर चार्जिंग द पार्टिकल्स, अनावेशित वस्तुओं को चार्ज करने के ये तीन तरीके हैं, इधर क्लियर।